नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चौरहे। सियासत के लिहाज से सबसे बड़ा दंगल चलने वाला है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि बंगाल में होगा आज सुपर संडे। संदेश खाली के मुद्दे पर बंगाल का सियासी पारा चढ़ चुका है और इसी मुद्दे पर आज लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मंचों से हुंकार भरी जाएगी। आज बीजेपी और टीएमसी भी आमने सामने दिखाई देंगे। बीजेपी ने जहां पर आज संदेश खाली चलो मार्च बुलाया है, तो कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में आज ममता बनर्जी की रैली होने वाली है और माना यह जा रहा है कि इस रैली में ममता बनर्जी बड़ा ऐलान कर सकती है और इसीलिए बड़ी तादाद में ही दोनों दलों के नेताओं की मौजूदगी आज बंगाल में अलग अलग इलाकों में हो रही रैली पर होगी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से मचा हुआ है संदेश खाली को लेकर घमासान, और संदेश खाली चलो मार्च बीजेपी ने बुलाया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि आज टीएमसी लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी और बताया यह भी जा रहा है कि कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में जो रैली होने जा रही है उसी रैली के मंच से टीएमसी की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। कोलकाता में ब्रिगेड मैदान में टीएमसी की जनगणना रैली होने वाली है और यहां से असम और मेघालय के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा। मेघालय के तुरा आसन से टीएमसी चुनाव लड़ने वाली है और असम के 3-4 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी जिसके उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। उधर उत्तर प्रदेश की एक सीट पर भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान टीएमसी कर सकती है। और आज जो बड़ी रैली टीएमसी की होने वाली है जिसे नाम जनगर्जना रैली दिया गया है, यहां से नए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी हो सकता है जो इस बार चुनावी मैदान में होंगे। और आज पश्चिम बंगाल में होगा जबरदस्त सियासी घमासान, ममता बनर्जी की जनगर्जना रैली। पश्चिम बंगाल में आज घमासान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच दो अलग अलग मंचों की ओर से देखा जाएगा। ममता बनर्जी की जनगर्जना रैली है जहां से माना जा रहा है कि उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर सकती है ममता बनर्जी। और कोलकाता में टीएमसी की बड़ी रैली होने वाली है और इस रैली के लिए टीएमसी शक्ति प्रदर्शन भी करेगी और इस रैली को जनगर्जना रैली का नाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के कोने कोने से लोग इस रैली में शामिल होंगे और दावा तो यह भी किया गया है कि इस रैली के मंच से ममता बनर्जी कई बड़े ऐलान कर सकती है, कई ऐसे चेहरों के नाम का ऐलान जो पहली बार चुनावी मैदान में उतरते दिखाई देंगे। और अपने नए सिपह सालों के नाम का ऐलान भी ममता बनर्जी इस रैली से कर सकती है। पश्चिम बंगाल के अलावा दूसरे राज्यों से भी लोकसभा के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान ममता बनर्जी कर सकती है, लेकिन खास बात यह कि अपनी आगे लोकसभा चुनाव की नई रणनीति को लेकर के ममता बनर्जी यहां बड़ी घोषणा इस मंच से कर सकती है और जिसकी रैली की तैयारी टीएमसी ने कर रखी है। वहीं विरोधी भी आज संदेश खाली चलो मार्च बुला रहे हैं। ऐसे में ममता बनर्जी की तैयारी यह है कि इस रैली के जरिए ही पश्चिम बंगाल में आने वाले चुनाव का आगाज कर दिया जाए और इस रैली में कई बड़ी घोषणाएं ममता बनर्जी की ओर से हो सकती है। दावा यह भी किया जा रहा है कि कुछ पुराने नामों को लिस्ट से हटा करके नए नामों को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। ममता बनर्जी एक नई रणनीति के साथ यहां कई बड़े ऐलान करेगी और निशाने पर अगला लोकसभा चुनाव ही है। जहां दूसरी तरफ बीजेपी संदेश खाली मार्च निकाल रही है, तो ममता बनर्जी भी तैयार है। संदेश खाली के मुद्दे पर ममता बनर्जी की सरकार लगातार बीजेपी के निशाने पर है और इस बीच आज बंगाल बीजेपी ने संदेश खाली चलो मार्च का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने आज सुबह ही संदेश खाली के लिए सभी को चलने का ऐलान किया और इसमें बंगाल के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार भी शामिल हैं। बीजेपी की तरफ से मार्च की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसी सिलसिले में बशीरहाट में बीजेपी की बड़ी रैली होने वाली है और मकसद है इस रैली के जरिए पश्चिम बंगाल में अपनी ताकत दिखाई जाए और लोकसभा चुनाव के लिए आगाज किया जाए तमाम कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों को जोड़कर। एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के हाथ लगा है संदेश खाली का और इसीलिए बशीरहाट में एक बड़ी रैली बीजेपी करने की तैयारी में है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पश्चिम बंगाल के तैयार हैं, संदेश खाली की ओर रुख करने वाले हैं और मकसद होगा ममता सरकार पर बड़ा हमला करना। संदेश खाली के मुद्दे को इस मंच से एक बार फिर उठाने की कोशिश बीजेपी की होगी और इसीलिए बीजेपी ने संदेश खाली चलो मार्च बुलाया है।